पार्षद देखिए पाठ संख्या 3 शब्द विचार, इस पाठ को हमने शुरू किया था, इसका कुछ अंश हमने पढ़ा। शब्द पद इन सब की परिभाषाएं पढ़ते हुए हमने पढ़ा कि शब्दों के भेद करने के लिए हमने इन चार आधारों के बारे में जानकारी ली। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वह चार भेद यहाँ दिए गए। हालांकि एक ये मुख्यतः चार भेद हैं, इनके अलावा भी एक भेद और होता है जिसे हम संकर कहते हैं, जो पांचवा भेद भी हो सकता है संकर, ठीक है, संकर शब्द भी होते हैं हिंदी में। हालांकि तो हमने स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द की जानकारी पढ़ी कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के मूल रूप से, संस्कृत के शब्द हैं, शुद्ध रूप में हम जैसे संस्कृत में प्रयोग में लिया जाता है वैसे ही, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग हटाते हुए वैसे ही हम इनको हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं, तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की इस तरह से सारणी भी दी हुई थी कि इधर वाले तत्सम है और इन्हीं का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप तद्भव है। तो तद्भव और तत्सम दोनों की एक साथ जानकारी दी गई, तत्सम और तद्भव दोनों एक साथ आ गए यहाँ पर, ठीक, क्योंकि यहाँ तो संख्या 4 और 5 दे रखी है इधर, और इधर यहाँ दूसरे नंबर पर देश दे रखा है जबकि इधर दूसरे पर तद्भव है। तो आप भ्रमित ना हो क्योंकि तत्सम और तद्भव, पहला ये पहला और इसको दूसरा मान ले, मतलब दोनों साथ में दे दिए, पहला और दूसरा दोनों साथ में, ये दोनों साथ में एक साथ दे दिए, यहाँ एक साथ जानकारी मिल गई इन दोनों की। और फिर आगे जानकारी दी गई है तीसरे क्रम पर देशज की, तो ये तीसरा है ना, ये तीसरे क्रम पर है और ये चौथा है, ये चौथा और ये है तीसरा। देखिए देशज के बारे में जानकारी लेते हैं, देशज शब्द कौन से होते हैं, तत्सम तद्भाव और अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर अन्य देशी भाषाओं से आए शब्दों को देशज कहते हैं। देखिए तत्सम और तद्भव के नहीं है, तत्सम और तद्भव के नहीं है, मतलब तत्सम में तो वे होते हैं जो शुद्ध संस्कृत के हैं, तद्भव में वे होते हैं जो इन्हीं तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप हम काम में लेते हैं, थोड़ा परिवर्तित रूप काम में लेते हैं, और इनको बीच में लाने की अभी जरूरत नहीं है, अन्य कहने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे रखो आप कि जो देशी भाषाएं हैं हिंदी में तत्सम और तद्भव को छोड़कर अपने भारत की जो अन्य भाषाएं, अन्य बोलियां हैं, उन भाषाओं और बोलियों के जो शब्द हम हिंदी में काम में लेते हैं वे कहलाते हैं देशज, मतलब देश में उत्पन्न, देश में जन्मे, देश में उत्पन्न, देश की जो भाषाएं हैं या देश की जो बोलियां हैं उनमें से हम कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में भी काम में लेते हैं वे शब्द कहलाते हैं देशज। जैसे झुग्गी, झाड़ू, खिचड़ी, गाड़ी, चिड़िया, खाट, ठेठ, पगड़ी आदि, इस तरह के जो शब्द हैं जो देश में बोली जाने वाली बोलियां और भाषाएं हैं उन्हीं में से हिंदी में काम में लेते हैं, देशज कहलाते हैं, ठीक है। फिर है चौथा विदेशी, विदेशी का सीधे सीधे हम शब्द से ही हमें मालूम हो रहा है, विदेशी का मतलब जो अपने देश की भाषा का नहीं है, अपने देश के अलावा जो अन्य देश हैं उनकी जो भाषाएं हैं उनसे आए हुए जो शब्द हैं हिंदी में वह विदेशी कहलाते हैं। जैसे अपने भारत में बहुत सारे देशों की जो जातियां हैं वे भारत में आई हैं, चाहे शासन करने के लिहाज से आई हैं या व्यापार करने के उद्देश्य से आई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी विदेशी जातियां रही हैं जो भारत में आई हैं, सदियों तक रही हैं, वर्षों तक रही हैं, उनमें से कई जातियों के जो भाषाओं के शब्द थे, कई देशों की भाषाओं के जो शब्द थे उनको हम हिंदी में भी काम में लेने लग गए और अब हमें लगता है जैसे कि अपनी भाषा के ही शब्द हैं, हम उनको आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए उनको हिंदी में प्रयोग में लेने लग गए, मान्यता भी दे दी, इसलिए जो विदेशी भाषाओं से हमें हिंदी में शब्द मिले उनको चौथे क्रम पर रखेंगे, विदेशी शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी अपने देश की भाषा नहीं थी, अंग्रेजों के साथ में आई, तो अंग्रेजी भाषा से हमें डॉक्टर, टीवी, रेल, बैंक, कार, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें मिले और हम उनको आराम से काम में लेते हैं और हमें सहूलियत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से उनका अर्थ समझ जाते हैं। हमें अपनी बोलचाल की भाषा जैसे वे शब्द लगते हैं, इस वजह से हम हिंदी में प्रयोग में लेने लगे इनको। अरबी भाषा से भी जैसे अमीर, इस्तीफा, इनाम, किस्मत, इस तरह के कुछ शब्द हैं। फारसी से आसमान, अफसोस, आमदनी, किताब, खराब, जगह, दरवाजा, मजदूर, ऐसे बहुत सारे शब्द काम में लेते हैं। पुर्तगाली के भी अल्पिन, तोलिया, साबुन, कप्तान, इस तरह के शब्द हैं। तुर्की से भी लिए हैं जैसे कुली, कैंची, कुर्ता, इस तरह से हम बहुत सारी जो विदेशी भाषाएं हैं इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं, चीनी, जापानी, फ्रेंच, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके हम शब्द हिंदी में भी काम में लेते हैं,
और हिंदी में जो विदेशी भाषाओं के शब्द काम में ले रहे हैं, हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं विदेशी भाषाओं के, तो ये क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। देश में उत्पन्न थे वे देशज, और विदेशी भाषाओं के शब्द हैं विदेशी। तो इस तरह से फिर एक और शब्द बच जाता है संकर, पांचवा भेद। चार के अलावा एक अन्य भेद है संकर। संकर में अलग कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो, इन्हीं भाषाओं में से अन्य भिन्न भिन्न जो भाषाएं हैं उनसे मिलाकर जो शब्द बनाया गया है संकर। संकर का मतलब मिला जुला रूप है। जैसे उदाहरण देके समझा दूं, रेलगाड़ी। अब इसमें क्या है कि रेल शब्द अंग्रेजी का है, रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है, और गाड़ी हिंदी का है। ठीक है, इसी तरह से जैसे लाठी चार्ज पढ़ते हैं, पुलिस ने अमुक जगह बदमाशों पर लाठी चार्ज किया, हड़ताल करने वालों पर लाठी चार्ज किया, तो लाठी शब्द हिंदी का है अपने, और यह अंग्रेजी का है। तो इस तरह से जो अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाओं से बने हुए शब्द हैं उनको हम कहते हैं संकर। इसी तरह से जैसे सुधार गृह, इस तरह से ये हिंदी का शब्द हो गया, और गृह शब्द संस्कृत का हो गया, तत्सम शब्द हो गया ना। तो इस तरह के जो शब्द हैं इनको हम कहते हैं संकर शब्द। हालांकि आगे स्रोत के आधार पर हमने सारे भेद पढ़े हैं। पहला भेद था तत्सम, दूसरा था तद्भव, जिनकी जानकारी सम्मिलित दी हुई है, क्योंकि ये इन दोनों को आपस में जानना भी जरूरी है, एक साथ जानना जरूरी है। फिर देशज शब्द, तीसरा, चौथा विदेशी, स्रोत के आधार पर वेदों में से, और पांचवा एक अन्य बताया मैंने शंकर। इनकी जानकारी पढ़ी हमने आज, और इन शब्दों को अच्छी तरह से समझना, ध्यान से देखना। अगला भेद बाद में पढ़ेंगे हम, अभी कुछ प्रश्नोत्तर आपको दे रहा हूँ, इसी पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। इनमें से आपको एक तो तीसरा प्रश्न करना है, एक चौथा करना है, और एक पांचवा करना है। यह जो जय है, जय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उत्तर दीजिए। इनमें से आपको तीसरा, चौथा और पांचवा ये शब्द करने आज 24 तारीख के लिए। तत्सम शब्द किस स्रोत से हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द किस भाषा से है, स्रोत का मतलब यहाँ कहाँ से आए हैं, किस भाषा से हिंदी में आए हैं, तो वो भाषा आप समझ जाएंगे। यहाँ भाषा का नाम लिखना है, किस भाषा से आए हैं हिंदी में। तद्भव शब्द का निर्माण किन शब्दों से हुआ है, इसको भी आप जानते हैं। योगरूढ़ शब्द का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। योगरूढ़ शब्द का शब्द उदाहरण के रूप में शब्द लिखकर आपको योगरूढ़ की जानकारी देनी है, योगरूढ़ क्या है ना, इसकी जानकारी देनी है। तीनों के उत्तर आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, मुख्य नोटबुक में। आज के लिए बस इतना ही।